अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सरफराज और आप देख रहे हैं एमएस फिशिंग टीवी। तो भाइयों, आज भी मैं आया हूं दो दरिया पे। आज है 7 जुलाई, जुमे का दिन है और सुबह के तकरीबन 7:15 हो रहे हैं। पानी चढ़ाव तकरीबन शुरू हो चुका है। बाकी घर से निकलते हुए तो देखा था मौसम साफ था, लेकिन यहाँ जब मैं दो दरिया के करीब पहुँचा तो रिमझिम जो है वो शुरू हो चुकी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी घने बादल छाए हुए हैं काले, और हल्की फुल्की बारिश भी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो इंतज़ाम तो किया नहीं था बारिश से बचने का, फिर भी जो होगा फिर देखेंगे। अभी ट्राई करते हैं, नीचे जाते हैं, आटा लेके आया हूँ मैं, आटे पे शिकार शुरू करते हैं। समंदर तो बिल्कुल ही खामोश है, बिल्कुल बिना आवाज़ के, ना तो ज़रा भी हवा है और ना ही पानी हिल रहा है, और ख़ामोशी छाई हुई है मुकम्मल। लोग भी ज़्यादा नहीं है आज, हालांकि जुम्मे के दिन काफ़ी रश होता है, और हो सकता है बाद में आए, लेकिन अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा। ये लगा दिया है आटा, और आटा जो है वो थोड़ा सा स्पेशल है आज। इसमें एक अंडा मिलाया हुआ है, चक्की का आटा है और इसमें खाली एक अंडा मिला है। फेंकते हैं इसको और देखते हैं इस पर क्या सकेंगे। कुछ सीप निकाली हैं हरी वाली, इनको तोड़ते हैं, इसको लगा के देखते हैं इस पर। वैसे तो दंदिए के चांस हैं, लगाते हैं देखते हैं क्या आता है। सीप तोड़ के लगा दी। कुछ दिन पहले मैंने एक दंदिया पकड़ा था, तो उसके जब मैंने उसको काटा घर जाके, तो उसके पेट में से हरे वाली सीप जो है उसके टुकड़े निकल रहे थे। ये वाली सीप जो, तो आज ये तोड़ के लगाई है, इसको भी ट्राई करते हैं, फेंकते हैं इसको। पहला दंदिया आ गया और ये आया है इस पर हरी वाली सीप जो है, जो ये लगी हुई है, इसी को तोड़ के लगाया और इस पे आया ये दंदिया। आटा भी लगाया हुआ, वैसे आटे पे चाल तो हो रही है, लेकिन कोई मछली अभी तक आई नहीं, और ये पहला दंदिया जो है ये सीप पे आया। चलिए, तो कहता हूँ अलग अलग चारा ट्राई करना चाहिए, कुछ भी चल सकता। जहाँ पहले बैठा हुआ था वहाँ शिकार की सेटिंग नहीं बनी, जगह चेंज कर ली, आटा लगा लिया और ये वही प्लांट के पास ही आ गया। एक पे आटा लगा दिए, इसको फेंकते हैं, और दूसरी डोर पे लगाया हुआ है सीप, इसको भी फेंकेंगे। यहाँ पहले जो कांटा लगा रहा था वो लगा रहा था 16 का, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पे ज़्यादातर बड़ी मछलियाँ चाल कर रही हैं, तो अभी इस पे कांटा कर दिया मैंने 12 का, बड़ा कांटा लगा दिया। पट्टी वजन है, फेंकते हैं इसको, चेक करते हैं। ये एक और आया है भाई छाया, ये भी सीप पे ही आया, अभी कांटा जो बड़ा किया था इस बड़े वाले कांटे पे आया। साइज़ तो अच्छा है, आधा किलो से तो ऊपर गई है। भाई इधर घूम, शक्ल दिखा, अभी देख लो भाई, हरी वाली सीप का शिकार है भाई। आटा भी लगा रहा हूँ, लेकिन आटे पे कोई चाल बन नहीं रही, हरी वाली सीप पे आ रही है अभी आटा, देखते हैं इसको। आटे पे मछली ने अब खाना शुरू कर दिया है आधे पानी पे आके। ये एक और दंदिया आया है आटे पे, लेकिन ये बहुत छोटा है, इसको छोड़ेंगे वापस। जा भाई, ये आटे पे पहला ही दाना आया था। आटे पे दूसरा दाना जो आया है वो आया है किसी, और इसका साइज़ भी अच्छा है। ये आटे पे ही आया, पानी जो है वो आधा हो चुका है और पत्थरों पे भी आना शुरू हो गया। आटे पे काफ़ी देर के बाद ही कोई चाल शुरू हुई है। दो और अब कुछ बेहतर होने लगी है, मतलब फंस नहीं रही, इस वजह से दो कांटे कर दिए, एक 18 का, एक 16 का। 16 वाले पे आटा ज़्यादा लगाया, ये 18 का, इस पर बहुत थोड़ा आटा लगाया, ताकि अगर छोटी मछलियाँ भी जो खा रही हैं वो हुक हो जाए इस पर। एक और आई है किस्सी, 18 का जो कांटा लगाया है उसने, ये दो कांटे किए ना, 18 वाले पे आइए आटे पे। एक और किसी ही आई, गिर गई पत्थरों में, गलत जगह पे गिर गई, यहाँ से वापस आना भी मुश्किल, चली गई। टोटल ये 4 मछलियाँ पकड़ी हैं,
जो मैं लेके जा रहा हूँ। बाकी एक दो छोटी थी वो छोड़ दी, एक वो गिर गई किसी पत्थरों में। आटे पे खाली किसी आई, एक छोटा सा दंदिया आया, बाकी ये हरी वाली सीप पे आई छाया और काला दंदिया, ये दोनों किसी आटे पे आई। पानी तो अभी भी सेट है, मतलब डोर तो हो सकती है, लेकिन जो अपना हिसाब किताब था टाइम था वो पूरा हो गया। और अभी मैं जाऊंगा घर, इनको खाएंगे फिर कोई काम करेंगे। बाकी एक और बात कि कल से मैं फिर से होने वाला हूँ बिज़ी, उसके बाद फिर वही संडे के संडे ही शिकार की वीडियो मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि मैंने फिर से अपनी जॉब स्टार्ट कर ली है। कल से मैं जाऊंगा अपनी जॉब पे, जो पहले काम किया करता था उसी पे जाऊंगा। बाकी गर्मी बहुत है, हवा रुकी हुई है और नमी हवा में बहुत ज़्यादा है। सुबह तो बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से ऐसे हब्स हो रहा है पूरा। टाइम हो रहा है 11:15 और अभी मैं जा रहा हूँ वापस। मछली भी आप लोगों ने देखी और एक नई चीज़ ट्राई की थी, नया चारा ट्राई किया था, वो भी आपने देखा, हरी वाली सीप। उस पर मेहनत तो है थोड़ी, लेकिन उस पर स्ट्राइक अच्छी है। मैंने काफ़ी देर वो उस पर शिकार खेलता रहा, मछलियाँ तो खैर उस पर दो ही आई और अच्छे से आए थे। और पहले शायद कांटा छोटा होने की वजह से मछली सही हुक नहीं हो रही थी, क्योंकि चाल जो है बड़ी मछली की लग रही थी। आटे पे मेरे पास दंदिया तो एक छोटा सा आया, वो मैंने वापस छोड़ा। इसके अलावा किसी आ रही थी, बार बार वही किसी आ रही थी। एक बड़ी दो थोड़ा साइज़ अच्छा था, एक तो गिर गई पानी में और एक मैं लेके जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर से मुलाकात होगी। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।